नमस्कार दोस्तों, आपका प्रगति मीडिया टीम में आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, 2022 के चुनावों को लेकर काफी मतभेद बना हुआ है। 2022 में अब पता नहीं किसकी पार्टी जीतने वाली है, कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी पार्टी बाजी मारेगी, कौन सी हारती है। दोनों में एक टक्कर का मुकाबला है। कुछ लोग भाजपा के सपोर्ट में हैं, कुछ लोग अलग अलग पार्टियों के सपोर्ट में हैं। कई पार्टियों ने कार्य किया है, कई पार्टियों ने सरकार होते हुए भी कई लोगों को सताया है व कार्य किया है। इस पे हम किसी भी तरह की कोई टिप्पणी नहीं पेश करेंगे। आज हम जिस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं, ये चुनाव से रिलेटेड है। रिपोर्टिंग के समय जो रिपोर्टर्स होते हैं, जो फ्रीलांसर रिपोर्टर होते हैं या मीडिया पर्सन होते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता है कि चुनाव के समय उनको किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, चुनाव के समय उनको कौन कौन से नियम मानने चाहिए और कौन कौन से प्रोसेसर उनको फॉलो करने होते हैं, कौन कौन से लेटर्स या किस तरह से उन्हें अपनी रिपोर्टिंग करनी होती है। आज हम इन चर्चाओं पर ही बात करेंगे। चुनाव की तारीख शुरू होते ही, चुनाव जैसे कि यूपी में अभी 10 मार्च को आने वाले हैं, जैसे ही अब रिजल्ट 10 मार्च को आने वाला है, जैसे चुनाव की तारीख तय होती है तो आचार संहिता लग जाती है। आचार संहिता को हमें बहुत, जो रिपोर्टर्स होते हैं, जो फ्रीलांसर रिपोर्टर होते हैं जिनको पता नहीं है कि चुनाव के समय किस तरह से कार्य करना है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही जरूरी है। तो चुनाव की तारीख लगते ही आचार संहिता लग जाती है, इसे चुनाव आचार संहिता भी कहते हैं। जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो इसकी आचार संहिता को लगाते हैं। आचार संहिता के समय कुछ बातों को ध्यान देना होता है। ये राजनेता और राज दलों के बीच के कुछ नियम्स फॉलो करती हैं। इसमें आप सरकारी गाड़ी यूज नहीं कर सकते, सार्वजनिक धन का उपयोग नहीं कर सकते, मतलब बहुत सारे इसमें रूल्स हैं, इनको फॉलो करना होता है। लेकिन अब आ जाती है रिपोर्टर की बात कि रिपोर्टर को इसमें किस तरह से अपनी रिपोर्टिंग करनी है और इसको किन बातों को ध्यान देना है। सबसे पहली बात कि अगर आप कोई भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अगर आपके पास मीडिया माइक है बहुत अच्छा है, आपके पास एक अच्छी कंपनी का मीडिया माइक है जिससे कि एक अच्छी वॉइस जा रही है, लोकल भी मीडिया माइक आते हैं लेकिन आपके पास अच्छा है माइक है, तो बहुत ज़रूरी है। उससे आप कह के अगर रिपोर्टिंग करते हैं तो उससे आपकी एक पहचान बनती है और आप वाकई में एक रिपोर्टर लगते हैं कि एक मीडिया माइक के द्वारा आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अगर आपके पास मीडिया माइक नहीं है तो आप फ़ोन के द्वारा भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, किसी भी तरीके से, जिस तरह से आपको सूटेबल लगता है। रिपोर्टिंग करते समय आप एक कुछ बातों को ध्यान रखें कि आप जब भी किसी की, पहली बात तो कभी अकेले में, या कई मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो घरों में घुस जाते हैं और वहाँ के जो घर के जो 4-5 सदस्य होते हैं, दो बड़े होते हैं, हस्बैंड वाइफ, और बाकी के बच्चे होते हैं, उन्हीं से जानकारी लेके आ जाते हैं। ऐसी जगह रिपोर्टिंग ना करें। आप हमेशा रिपोर्टिंग करें समाज के बीच में रह के करें, मार्केट के बीच में रह के करें, लोगों के बीच में रह के उनके मुद्दों को जानें, उनकी पार्टियों के बारे में जानें कि क्या है। कभी अकेले में जाके या छुपके रिपोर्टिंग ना करें, खुल के बोले, जज्बात से बोले, हिम्मत से बोले और एक अच्छे रिपोर्टर की तरह हर बात को, हर पहलू को अपनी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। पहली बात तो आपको दलों के बीच में या मार्केट के बीच में जहाँ भीड़ है वहाँ आपको रिपोर्टिंग करनी है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, माइक या बिना माइक के। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, आपको किसी भी पार्टी का पक्ष नहीं लेना है, आपको किसी से बहसबाजी नहीं करनी है, लड़ना नहीं है, नहीं नहीं ये पार्टी तो ऐसी थी, ये पार्टी तो ऐसी थी, या भाजपा ने तो ये किया है, आपको किसी पार्टी के ऊपर पक्ष नहीं लेना। अगर आप पक्ष करेंगे तो आपको वहाँ दिक्कत आ सकती है आचार संहिता के बीच में। दूसरी बात, इसमें बहुत सारे कुछ नियम्स हैं, हमें बहुत सारे नियम्स फॉलो करने होते हैं, लेकिन वीडियो को हम कम समय में प्रेजेंट करेंगे इसलिए आपको मैं कम बातों में ही आपको प्रेजेंट करूंगा। आपने दो बातों को ध्यान रखा कि हमें आपको माइक या विदाउट माइक के आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको किसी पक्षी का साथ नहीं लेना है। तीसरी बात, आपको भीड़ भाड़ में या लोगों के बीच में जहाँ मार्केट है वहाँ आपको रिपोर्टिंग करनी है। चौथी बात, आपको COVID-19 कोरोना वायरस का, इसका बिल्कुल ध्यान रखना है, मास्क या लोगों के बीच में डिस्टेंस बना के रखना है। अगर आपके पास प्रगति मीडिया का माइक है तो प्रगति मीडिया की काफ़ी लंबी डिस्टेंस होती है माइक की, जिससे आप आराम से रिपोर्टिंग कर सकते हैं। पांचवी बात ये है कि अगर आप चुनाव के समय, जब चुनाव का रिजल्ट आता है या बाहर जाते हैं, या आप जो विभाग होता है उससे आप कॉन्टैक्ट में रखना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पे एक PRO लेटर जमा करना होता है। PRO लेटर की महत्वता बहुत ज़्यादा होती है। PRO लेटर जो प्रगति मीडिया से कॉन्टैक्ट में है, जो मेरे से कॉन्टैक्ट में रहते हैं, उनको पता होगा PRO लेटर क्या होता है। PRO लेटर की बात करूँ तो काफ़ी समय खिंच जाएगा, आप PRO लेटर के बारे में गूगल पर सर्च कर सकते हैं। अगर आपके PRO लेटर है, अगर आपने जमा किया हुआ है, तो वहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छा कॉन्टैक्ट मिलता है।
चुनाव के समय जो पासेस वगैरह बनते हैं मीडिया के, या आपको कोई भी खबर वगैरह दी जाती है, या आपको कोई विज्ञापन दिया जाता है, या सरकार से रिलेटेड जो भी आपको कार्य होता है वो एक पीआरओ लेटर के द्वारा ही होता है, पीआरओ ऑफिस के द्वारा होता है। वहाँ आप अपनी जानकारी दे सकते हैं, वहाँ आप अपना लेटर दे सकते हैं, वहाँ आपसे एक कॉन्टैक्ट सरकार के साथ में, जो आपका सरकारी ऑफिस होता है जिला का, वहाँ से आपका कॉन्टैक्ट होता है। और भी कुछ बातें हैं, आपके पास एक वैलिड कार्ड होना चाहिए, आप कभी भी कोई अगर रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं, एक आपके पास वैलिड कार्ड होना चाहिए। वैलिड का मतलब वैलिड ही होता है, नॉट वैलिड या आपका इलीगल कार्ड नहीं होना चाहिए, उससे आप ही को दिक्कत आ सकती है। लीगल इलीगल मैं छोटी सी एक डेफिनेशन देना चाहूँगा, जो रेस्ट्रिक्ट मीडिया है उनसे आप अगर जारी करवाते हैं वो लीगल होता है, रेस्ट्रिक्ट मीडिया नहीं है उनसे आप जारी नहीं करवाते तो वो इलीगल कार्ड होता है। तो उसमें क्या होता है कि आपको वो वैलिड कार्ड होना चाहिए, आपके पास माइक होना चाहिए, आपको COVID-19 का पूरे प्रोसीजरों को फॉलो करना है, आपके पास लेटर्स हैं तो लेटर्स पीआरओ ऑफिस में लेटर जमा होना चाहिए, और आपको कुछ भी जानकारी अगर समझ में नहीं आती है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपको चुनाव के समय किसी भी मुद्दे पर या किसी पार्टी पर आपको फोकस नहीं करना चाहिए। और आचार संहिता के आप गूगल पे, या आपको मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, वहां से भी आचार संहिता के जो नियम होते हैं उनको आपको नहीं तोड़ना चाहिए। धन्यवाद।